अस्सलाम वालेकुम। पॉपुलर की हर खबर के साथ मैं हूं राबिया रफीक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी तेल तंसीबात पर हमले की मुज़म्मत। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के अमन और आलमी मुआशियत को निशाना बनाने की हर कोशिश से मुकाबला किया जाएगा। नो डील नो कॉम्प्रोमाइज। वजीर आजम ने बाबर अवान से मुलाकात में कहा एहतसाब यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल तवज्जो कश्मीर पर है। उधर इमरान खान नैब के इख्तियारात में कमी पर राजी। बड़ी तरमीम रवा हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 नकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। डीपीओ जनरल सैयद हुसैन हैदर की उल्मा कराम से मीटिंग। उल्मा कराम ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के इंतजाम करने और अमन व अमान को बरकरार रखने पर पुलिस के किरदार को सराहा। पसरूर मोटरसाइकिल और डंपर में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जा बहक। हादसा बडियाना की हदूद में पेश आया। पिपला हरनोली मोड़ पर ऑयल टैंकर उलट गया। जराए के मुताबिक टैंकर में हजारों लीटर पेट्रोल मौजूद है। ऑयल लीकेज की वजह से रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ऑयल टैंकर ट्रॉलर से टकराने के बाद बेकाबू होकर उलट गया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।